नमस्कार दोस्तों, जीएलसी टॉप 50 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं महेश पाटीदार और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे एमपीपीएससी न्यू सिलेबस के हिसाब से जो एमपीपीएससी की मेंस की बैच चल रही है उसमें पेपर 3 की यूनिट नंबर 5 जिसमें कुछ टॉपिक हम देख चुके थे और लाभ हानि का प्रॉफिट हमारा चल रहा था। जो टॉपिक है लाभ हानि का वो हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें एक पार्ट हम देख चुके थे। कुछ और टाइप्स जो क्वेश्चन के बन सकते हैं वो बच गए जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और यदि आप जीएलसी टॉप 50 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इस जीएलसी टॉप 50 एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड करें जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऐसा लोगो आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा, इसको डाउनलोड करना है और जाके आप वहाँ ऑनलाइन अपियर हो सकते हैं। इसमें इनरोल करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अलग अलग बैचेस आपको मिलेंगी। मंथली करंट अफेयर मिलेगा, डेली करंट अफेयर मिलेगा, वीकली करंट अफेयर आपको इस एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इसलिए आप इस एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन करें। और आप यहाँ पे सेपरेट बैचेस भी दी जाती है जिससे इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, हिंदी मीडियम के लिए अलग है, दोनों मीडियम के लिए यहाँ पे सेपरेट बैचेस अवेलेबल है, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के इस टॉपिक की। हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं कि लागत मूल्य क्या होता है या सीपी जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं ये क्या होता है। यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस किसी कीमत पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य वह वस्तु जिस पर कोई चीज बेची जाती है। यदि विक्रय लाभ कब होता है, यदि विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य से अधिक होता है, मतलब कि जो एसपी है वो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस किसके कंपैरिजन में, सीपी के, मतलब कि विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा तो लाभ की कंडीशन बनेगी और इन दोनों का डिफरेंस जो है इन दोनों का अंतर हो क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे हम किसको, क्रय मूल्य को। फिर बात करते हैं हम कि हानि कब होती है, तो हानि उस केस में होगी यदि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम हो, मतलब कि हम खरीदेंगे कम में वस्तु को और ज्यादा में बेचेंगे, तो सॉरी हम क्या करेंगे खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में, तो इस केस में हमको क्या होता है हानि होती है। क्या होता है इस केस में हमको हानि होती है। हानि कैसे निकाल सकते हैं, जो लागत मूल्य है या सीपी है उसमें से हम किसको निकाल देंगे, विक्रय मूल्य या कॉस्ट सेलिंग प्राइस को हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हानि आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है, ये दो चीजें हमको इम्पोर्टेंट देखना है और पहले भी देख चुके हैं पर इनको समझना है, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत क्या होता है। क्वेश्चन इनके फॉर्मेट में आता है, 100 रुपए पर जितना भी लाभ होता है वो प्रतिशत लाभ कहलाता है ना, मतलब पर 100 रुपए पे कितना लाभ हुआ वो लाभ प्रतिशत और पर 100 रुपए पे कितनी हानि हुई उसको हम क्या कहेंगे हानि प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या है, यही हमने सीखा था कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है जो भी लाभ हुआ हो उसके अपॉन में क्या लिखना है हमको, क्रय मूल्य या जिसको हम कहते हैं सीपी इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। ये हमेशा हानि भी देख लेते हैं कि हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत हम निकालते हैं हानि अपॉन में हम क्या लिखेंगे सीपी इंटू 100। सीपी का मतलब क्या होता है यहाँ पे क्रय मूल्य, तो लाभ और हानि दोनों प्रतिशत हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे हम क्रय मूल्य पे, किसके कैलकुलेट करते हैं किस पर कैलकुलेट करते हैं क्रय मूल्य पे हम इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यदि कोई वस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान से देखना, कि यदि कोई वस्तु 10% के लाभों पर बेची जाती है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 110%। इसका मतलब ये सीपी को हम या क्रय मूल्य को 100% मानेंगे और यदि उसको 10% लाभ पे बेचा जा रहा है तो 10% और लाभ जोड़ दूंगा तो ये मेरी क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, या 110 या 110% क्या होगा मेरा सेलिंग प्राइस होगी। उसी तरीके से यदि हानि होती है तो हानि के केस में क्या होगा कि मान लो 100% मेरा क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य, उसमें से 10% हानि हो गई तो सेलिंग प्राइस या जो विक्रय मूल्य वो क्या हो जाएगा 90%। ये जो कंसेप्ट है हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, कैलकुलेशन कम करता है हमारी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति क्या करता है कि एक व्यक्ति 15 पाउंड में एक घोड़ा खरीदता है ना, और एक साल बाद इसे 20 पाउंड में बेच देता है। पहले 15 पाउंड में खरीदता है और 20 पाउंड में बेच देता है, एक साल बाद वह फिर से उसी घोड़े को 30 पाउंड में खरीदता है,
15 में खरीदता और 20 में बेच देता, फिर से उसको 30 में खरीदता है और 40 पाउंड में क्या कर देता है, उस घोड़े को बेच देता है। इसका कहना है कि दोनों लेन देन पर उस व्यक्ति का कुल कितना प्रतिशत। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एक ही चीज को खरीद के बेचा जा रहा, फिर खरीद के बेचा जा रहा, तब उस केस में क्या करेंगे हम कि पहले यहां देख लेते हैं हल कैसे लिखते हैं इस कंडीशन में। हल क्या दिया है, घोड़े का विक्रय, घोड़े का क्रय मूल्य ठीक है कितना दिया है, फर्स्ट दे देंगे या इसको हम सीपी फर्स्ट कह देंगे, कितना है पहली बार में उसका क्रय मूल्य 15 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है 20 रुपए, है ना, ये पहली कंडीशन में। पुनः क्या हो जाएगा, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है या CP2 कह देंगे इसको, फिर से उसको खरीदा वो 30 रुपए में खरीदा, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर SP2 या टोटल कितना हो जाएगा, इसने गिवन है 40 रुपए, 40 पाउंड में फिर से उसको बेच देता। तो घोड़े का कुल क्रय मूल्य, मेन हमको यहां से ध्यान देना है कि घोड़े का इस कंडीशन में क्रय मूल्य क्या मानेंगे, तो घोड़े का कुल क्रय मूल्य या हम इसको कहते हैं CP बराबर हो जाएगा 15 प्लस 30, टोटल मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 45 रुपए उसके क्या हो जाएंगे, 45 पाउंड उसके क्या हो जाएंगे, घोड़े का कुल क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा मेरे पास SP हो जाएगा SP1 प्लस SP2, मतलब कि 20 प्लस 40, यहाँ पर टोटल बन जाएगा 60 रुपए। अब देखो उसने घोड़े को दोनों बार खरीदने में कुल कितना पैसा लगाया, 45 रुपए या 45 पाउंड, दोनों को बेचने में, दोनों बार बेचने में उसको कितना मिला, 60 रुपए मिला। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य जो है छोटा है, तो यहाँ पे क्या बनता है कंडीशन, लाभ होगा। तो क्या होगा यहाँ पे लाभ, लाभ कितना हुआ, ऐसा लिखना पड़ेगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य, एक सेकेंड इसको थोड़ा रेस कर देते हैं, लाभ बराबर क्या होगा, जो विक्रय मूल्य है उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दूंगा, 60 रुपए में से हम क्या माइनस कर देंगे 40। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है ताकि हमको क्या नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। तो 60 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ आएगा 20, 20 रुपए का क्या हुआ उसको लाभ। अब वो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए क्या होता है, कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, जो भी लाभ होता है हम उसको कहाँ लिखते हैं ऊपर, या चूंकि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है यहाँ वैल्यू रख देंगे हम। लाभ कितना हुआ 20 रुपए का, क्रय मूल्य कितना हुआ 45 रुपए, इनटू उसमें कर देंगे कितने का मल्टीप्लाई 100 का, 15, देखो 15 पाउंड में खरीदा फिर 30 में खरीदा दो बार, तो टोटल कितने हो गए 15, 30, 45, फिर 20 और 40, 60, टोटल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल गया। फिर वहां से हमने माइनस करके उसको क्या निकाल लिया, लाभ निकाल लिया, 20 रुपए का लाभ हुआ, सॉरी यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं हम, 20 रुपए का नहीं हुआ है, 45 में से 60, सॉरी 60 माइनस हम क्या कर देंगे 45, तो यहाँ कितने का हो रहा है, ये 15 रुपीज का हो रहा है, कितने का 15 या 15 रुपए का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना आ जाएगा यहाँ हमारे पास, ठीक है थोड़ा सा ध्यान कहीं और रह गया, उसको 40 को देख लिया और क्या कर दिया आपने इसको 45 क्या था इसका कुल क्रय मूल्य था और 60 इसका विक्रय मूल्य था, तो 15 रुपए का इसको लाभ हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 15 रुपए का कुल लाभ हुआ है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, ऊपर बचा मेरे पास 100/3, इसका मतलब इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो 33 सही 1/3% का उसको क्या हुआ लाभ हुआ, या इसको हम और आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 33 सही 33% भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा।
तो यहाँ नीचे फिर लिखना है, अतः व्यक्ति को कुल सौदे में या पूरे सौदे में, पूरे सौदे में 33 से 1/3% का लाभ होता है। ये अपना परफेक्ट आंसर बन जाता है, इसमें नंबर कटने की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। इसको आप बकायदा वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक दुकानदार 800 रुपए में एक वस्तु बेच रहा है, 25% का लाभ कमाता है ना। मतलब कि क्या, हम देखेंगे कि क्या दिया है उसने। एक वस्तु बेच रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया उसने, 800 रुपए। इस पे लाभ कमाता है कितने प्रतिशत, वो 25%। लाभ कितना कमा रहा है वो, 25% इस पे लाभ कमा रहा है। इस केस में क्या करना है, विक्रय मूल्य 800 रुपए है और 25% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब क्या कि हम जानते हैं कि जो विक्रय मूल्य होता है वो कितना हो जाएगा यहाँ इस केस में, क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाता है, लाभ। तो ये 100% होता है अपने आप में, प्लस 25% लाभ होगा, इसका मतलब ये कितना हो गया, टोटल 125%। 125% क्या शो करता है यहाँ पर, 800 रुपए के बराबर 125%। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ कि तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 800 यहाँ आ जाएगा है ना। इसको 1% की वैल्यू 800, ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 125% क्या शो कर रहा है, 800, तो 1% क्या बताएगा, 800 के अपॉन में कितना आ जाएगा वहां से, 125। अब हमको कितना निकालना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100%, तो यह आ जाएगा 800 के अपॉन में 125 इंटू 100, यहाँ से क्रय मूल्य की वैल्यू निकल जाएगी, 25 चौक 100 और 25 5 125, इस 5 से फिर कट सकता है, 5 एकम 5 और 16 5 80 और 160, मतलब कि यहाँ बचा है 160 इंटू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 4 6 24, 4 एकम 4 और 2 6, 640 रुपये उसकी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि हानि के लिए 25% के हानि के लिए उस वस्तु को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो ये 125% के लिए, तो 25% की हानि के लिए उसको कितने पे बेचना चाहिए, 25% की जब हानि हो जाएगी तो विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य क्या बचेगा, यहाँ देख लेते हैं विक्रय मूल्य क्या निकल के आया हमारे पास, कंट्रोलिंग वो कैलकुलेशन पार्ट है। तो यहां से 800 125% बता रहा है वो, है ना। तो कंट्रोल पी क्या देखना है कि जो सीपी है वो कितना आ गया हमारे पास, 640 रुपये निकल के आ गया, ठीक है। अब नया क्रय मूल्य या जो नया विक्रय मूल्य है वो निकालना है हमें। नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि जो 640 है माइनस में क्या करना है हमको, 25% की हानि करना है, क्यों, तभी नया विक्रय मूल्य आएगा, क्योंकि हानि चाहिए उसको। यहाँ फिर क्या आ जाएगा, टोटल 640 रुपये 100% की वैल्यू है, तो यहाँ पे 100% क्रय मूल्य होगा, 100% में से 25 गया तो कितना बचेगा अपने पास, ये 100 है, इसको ध्यान रखना। 100% क्या है मेरा क्रय मूल्य, उसमें से 25% को हानि को माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा मेरे पास 75%। अब नया विक्रय मूल्य 75% बचेगा, तो इसी को मैं कैलकुलेट करके 75% निकाल लूंगा। तो 1% की वैल्यू कितनी थी, 800 के बटे में 125 था, तो 75% की वैल्यू 75 गुना 25, 75 और 25 बन 125। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 16 पंच 80 और 160 गुणित 3, मतलब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि 160 गुणित 3, तो नया क्या हो जाएगा, 0 76 18 3 एकम 3 और 2 5 580 रुपये क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ नीचे लाइन लिख के लिखना है, अतः
नया विक्रय मूल्य जो बराबर कितना 580 रुपए, जिससे 25% हानि होगी उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा है, इसको नोट कर लेना व्यवस्थित। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 425 रुपए में बेचने के बाद लाभ 355 रुपए में बेचने के बाद नुकसान के समान है ना। इस वीडियो को आप यहीं पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो क्या दिया है क्वेश्चन में कि वस्तु को 425 रुपए में बेचने के बाद जो लाभ आता है वो 355 रुपए में बेचने के बाद नुकसान के समान है ना। मतलब कि जो क्रय मूल्य है, या हम ऐसा कर लेते हैं, पहले क्या दिया है वो देख लेते हैं। चलो क्या गिवन है ये देख लेते हैं। दिया है कि 425 रुपए में बेचता है तो लाभ जो है वो किसके बराबर है, 355 में बेचता है वो प्लस उसकी हानि, ये दोनों क्या इसके बराबर है। 425 रुपए में बेचने के बाद जो लाभ बनता है वो और 355 रुपए में बेचने के बाद जो नुकसान बनता है वो समान है ना। मतलब कि जो क्रय मूल्य है मेरा, उसमें से यदि मैं, या क्या देखो, जो मेरे पास विक्रय मूल्य, जिस चीज में मैं वस्तु को बेचूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस विक्रय मूल्य में यदि मैं क्या घटा दूंगा, क्रय मूल्य, तो इस केस में जो लाभ हो रहा है वो इस केस में जो हानि हो रही है, मतलब जो क्रय मूल्य है उसमें से मैं क्या कर दूंगा, विक्रय मूल्य को माइनस कर दूंगा। वो दोनों क्या है, कंडीशन आपस में बराबर। तो पहले में विक्रय मूल्य कितना है 425, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं क्या, क्रय मूल्य। मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य का एक्स है, तो मैं यहां लिख देता हूं, माना कि क्रय मूल्य एक्स है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन किसके बराबर होगी, जब क्रय मूल्य कितना है एक्स, उसमें से मैं 355 को घटा दूंगा तो इस केस में क्या होगी हानि। जब भी लाभ होता है तब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, तो 425 रुपए में से हमने क्या माइनस कर दिया एक्स। और जब हानि होती है तो इस केस में क्या करते हैं, जब क्रय मूल्य होता है उसमें से विक्रय मूल्य को घटा देते, तो क्रय मूल्य एक्स था उसमें से 355 को माइनस कर देते। ये दोनों ही कंडीशन इक्वल है ऐसा बोल रहा है कौन, क्वेश्चन बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 425 रुपये माइनस एक्स, और ये एक्स एक्स को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, सेपरेट कर देते हैं। 425 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कौन, 355, और इक्वल एक्स उधर जाएगा तो एक्स और एक्स 2x हो जाएंगे। चलो इनको जोड़ते हैं, कितना 425 और 55, 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8, 4 3 7, 780 रुपये हो जाएंगे 2x के बराबर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 780/2, 2 से कटेगा, 2 3 6 116, 2 9 18, 390 रुपए। तो x की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 390, तो यहाँ लिख देंगे हम नहीं अपन, कि अतः वस्तु की लागत, तो क्या ये बिल्कुल आपको नीचे एक एक पॉइंट लिखना है, जिससे क्या होगी हमारी मैथिंग बहुत अच्छे से होगी। और मैथ्स में वैसे भी नंबर कम कटते हैं, बस बनिष्पत क्या किया होना चाहिए कि आपने व्यवस्थित ढंग से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अतः वस्तु का क्रय मूल्य, या हम उसको क्या कहते हैं, लागत जो है, जिस फॉर्मेट में वो पूछे उसी फॉर्मेट में उसको जवाब भी देना। अतः वस्तु का जो क्रय मूल्य है या लागत है वो कितनी हो जाएगी, 390 रुपए है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप अगर नोट नहीं किया तो बिल्कुल नोट करें, प्रयास करें कि आप साथ के साथ में सॉल्व करें, नहीं तो फिर आप इस वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब 2014 में एक एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस कंसेप्ट पे, कि एक दुकानदार ने 10 रुपए में 11 संतरे खरीदे और
संतरे 11 रुपए में बेचे तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हल देखो, देखते हैं। एक दुकानदार ने 10 रुपए में कितने संतरे खरीदे, तो ऐसे लिखेंगे, दिया है 11 संतरों का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10 रुपए। 11 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो गया मेरे पास 10 रुपए, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि 11 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 10 रुपए है। 11 संतरों का क्रय मूल्य इसने दिया है कितना है, 10 रुपए है, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10/11 रुपए, ठीक है। चल फिर बोला उसने कि 10 संतरे 11 रुपए में बेचे जाते हैं, 10 संतरे कितने में बेचे जाते हैं, 11 रुपए, मतलब कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 11 रुपए। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा, 11/10 रुपए। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस टाइप के सॉल्व करे होंगे, एक एक सेकंड या दो दो सेकंड, 5-5 सेकंड मैक्सिमम लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, तो वैसे आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिटन एग्जाम है और आपको जब व्यवस्थित लिखेंगे तभी नंबर दिए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 संतरे हैं, तो 11 संतरों का जो क्रय मूल्य था 10 रुपए, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10/11 रुपए। 11 10 संतरों का विक्रय मूल्य कितना, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 11/10 रुपए। आपको पहले एक एक क्वांटिटी फिक्स करेंगे तभी प्रतिशत का आपको पता चलेगा। तो मैंने एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल लिया, एक संतरे का विक्रय मूल्य निकाल लिया, तो अब क्या है, लाभ, लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 11/10 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 10/11। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 121 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम, सॉरी, एक सौ इक्कीस नहीं आएगा, मैंने इसका एलसीएम लिया तो 110 आ गया, इधर 121 माइनस 100, तो यहाँ पे जो आ गया है 121 में से 100 जाएंगे, तो 21/110 रुपए क्या आ गया मेरे पास, लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, चूंकि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जितना लाभ होता है बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, गुणित क्या कर देते हैं, 100 लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा लाभ प्रतिशत। अब लाभ हुआ कितना है, तो 121 लाभ हुआ है केवल 21 रुपए का, और 21/110 रुपए का लाभ हुआ, और क्रय मूल्य कितना है, यहां से देखना है, एक संतरे का क्रय मूल्य 10/11, ठीक है, इंटू 100। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे ये वाली मंजिल कट जाएगी, या इसको उलट गुणित कर देंगे, 21/ इसको ही आगे कर लेते हैं, 21/110 इसको बोले तो जाएगा 11/10। अब जो जो कटेगा उसको काट देंगे, इंटू 60 में क्या चल रहा है, सो 10 20, 10 से 20 कैंसिल, 11 से 11, तो टोटल यहाँ बचा कितना, 21%। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, है ना, तो अतः
लाभ प्रतिशत बराबर या लाभ बराबर 21% या दुकानदार को 21% लाभ होगा, ऐसे करके आप इसको क्या कर देंगे, कोट कर देंगे, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, नोट क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ कंसेप्ट और भी देखने हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है या मार्केट प्राइस क्या होती है। अंकित मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, जिसको हम एमआरपी कहते हैं, किसी वस्तु पे जो टैग लगा होता है, जिस मार्किंग का, या जो उसमें प्राइस को मार्क कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं। आगे बढ़ेंगे कि यह एक वस्तु पर बिक्री मूल्य के रूप में अंकित मूल्य है, जिसे सूचीबद्ध मूल्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसको क्या लिस्टेड प्राइस के रूप में भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि आप कोई शूज खरीदने गए या आप जूते खरीदने गए, ठीक है, इन जूतों के पैकेट पे प्राइस लिखा हुआ था 1,000 रुपए, है ना, तो ये क्या है, मार्किंग। अब वो भले आप उसको 800 में लेकर आए, वो अलग मैटर है, पर क्या हो गया, 1,000 रुपए क्या है, उसकी मार्क प्राइस है, एमआरपी है, या कुछ भी हो सकता है, लिस्टेड प्राइस भी बोल सकते हो, मार्क प्राइस बोल सकते हैं, या फिर एमआरपी या अंकित मूल्य। आपको क्या ध्यान रखना है, उसपे क्या मूल्य अंकित किया गया। अब होता है डिस्काउंट या रिबेट, है ना, डिस्काउंट या रिबेट, या जिसको हम छूट कहते हैं, क्या कहते हैं, छूट, या इसको और बोले तो हम बट्टा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बट्टा, बट्टा भी कहते हैं। तो यह चिन्हित या सूचीबद्ध मूल्य पर, मतलब जो अंकित प्राइस है, जिसको हम एमआरपी कहते हैं, एमआरपी पर दी जाने वाली कीमत में कमी है, क्या है, जो एमआरपी पर दी जाती है कीमत, उसमें जो कमी है वो क्या है, इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट या छूट कहते हैं। मान लो कि वो जूते अभी अपने ऊपर खरीदे, 1,000 रुपए में जूते खरीदे, और उस दुकानदार उसको बेच रहा है 800 रुपए में, तो यहाँ 200 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया या छूट हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि एक वाटर कूलर का अंकित मूल्य कितने रुपए है, 4,650 रुपए, है ना। दुकानदार इस पर 18% की ऑफ सीजन छूट प्रदान करता है, 18% ऑफ सीजन की छूट, मतलब सीजन से बाहर है तो वाटर कूलर में छूट दे देगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्यों, क्योंकि उसको ऑफ सीजन का मतलब है, उसको दुकान का माल खाली करवाना है, उसकी दुकान में स्पेस बन जाए इसके लिए, तो क्या करेगा, छूट देके उसको माल को निकलवा देगा। तो 18% उसको क्या दे दिए, छूट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हल क्या दिया है, सबसे पहले ये लिखना है, दिया है वाटर कूलर का अंकित मूल्य, कितना रुपए, उसने दिया है ₹4,650। अब डिस्काउंट या बट्टा या छूट जो है, कितना ऑक्सीजन छूट जो प्रदान करता है, कितने करता है वो, 18% उस पर करता है, छूट प्रदान करता है। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहां से हमारा दो तरीके, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दो तरीके, या तो अंकित मूल्य कर लेंगे पहले, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करना है हमको, अंकित मूल्य का ही 18%, क्योंकि छूट या डिस्काउंट किस पे दी जाती है, ये हमेशा दो चीजें ध्यान रखना, कि जब पहले हमने क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एक तो कैलकुलेट कर रहे थे लाभ प्रतिशत, दूसरा कैलकुलेट कर रहे थे हानि प्रतिशत, ये दोनों किस पे कैलकुलेट या गणना इसकी किसके आधार पर करते हैं, तो उसको क्रय मूल्य के आधार पर इसकी गणना की जाती है। किसके आधार पर की जाती है, क्रय मूल्य को 100% मानकर इसकी गणना की जाती है। वहीं जब हम, मैं किसकी बात करूंगा, छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत या डिस्काउंट की जब मैं बात करूंगा, तो ये किस पे कैलकुलेशन की जाती है, छूट या डिस्काउंट, डी प्रतिशत में बोलूँ या छूट प्रतिशत की बात करूं, तो ये किस पे कैलकुलेट करते हैं, ये अंकित मूल्य पे, किसके करते हैं, अंकित मूल्य पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अंकित मूल्य का ही 18% निकाल लेंगे, ठीक है, चल अंकित मूल्य कितना है, 4,650 माइनस 4,650 का 18%, चलो यहाँ निकाल देते हैं, 4,650 का 18% कितना होगा, 18/100, चलो 1 0 से 1 0 कैंसल, ऊपर बच गया, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आएगा 18,590,
18 6 108, 108 और 9 हो जाएगा 117, केरी 11, 18 चौ 72, 72 और 11 हो जाएगा यहाँ पर 80, 3 और अपन में कितना है 10 ऑलरेडी, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर छूट हो जाएगा 83 7 रुपीज, 83 7 रुपीज की यहाँ पे छूट दे देगा वो, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करना है। चलो इसको माइनस कर लेते हैं, 0 में से 7 जाएगा तो 3, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 6 में से या 16 में से 8 माइनस होगा तो 8 और ये 3, तो 3,813 रुपीज या 3,813 रुपये क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। अतः कूलर या वाटर कूलर का विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे हम, वाटर कूलर का जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा हमारे पास कितना 3,813 रुपये। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि सर्दी के मौसम में एक दुकानदार द्वारा एक स्वेटर की कीमत 960 से घटाकर 816 रुपये कर दी, कितनी कर दी, किससे घटाकर, 960 रुपये से घटाकर उसने कर दी है 816 रुपये, तो उसके द्वारा दी गई छूट की दर या डिस्काउंट परसेंट निकालना है हमको। अब सबसे पहले यहाँ देखना है कि क्या दिया है, एक स्वेटर का है ना, तो स्वेटर का अंकित मूल्य कितना दिया उसने 960 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना कर दिया उसने 816 रुपये, मतलब कि यहाँ पर डिस्काउंट या छूट कितने रुपए की दी गई, क्या निकालना है हमको, कितने रुपए की छूट दी गई, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है वो निकालेंगे हम, है ना, और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो छूट या डिस्काउंट कितना दिया गया इन दोनों का माइनस कर लेंगे, तो यहाँ दिया है 4 4 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, तो 144 रुपीज का इन्होंने क्या कर दिया, 144 रुपए का इन्होंने दे दिया है यहाँ पे क्या छूट। अब छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था कि छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि छूट प्रतिशत बराबर होता है जो भी छूट या डिस्काउंट होता है जिसको हम डी से लिखते हैं, अपॉन में जो भी एमआरपी होती है या अंकित मूल्य होता है, मार्क्ड प्राइस होती है, वो इंटू क्या कर देंगे 100, तो इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना इसको क्या लिखना है, हिंदी में ही लिखना है, छूट के बटे में क्या लिखेंगे अंकित मूल्य इंटू 100 कर देंगे, तो छूट कितनी थी 144 रुपये, और अपॉन में अंकित मूल्य आ जाएगा, तो अंकित मूल्य कितना था स्वेटर का 960 रुपये इंटू 100 रुपये। चलो इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे कट जाएगा ये 4 से कटेगा क्या, नहीं 6 से कटेगा, 6 दुनी 12 कट जाएगा, चलो 6 से कैंसिल करते हैं, 6 का 6 6 दुनी 12, यहां से बचेगा 2 और 24, 6 24, ऊपर 24 बचेगा, 6 से कटेंगे तो 1 बार, फिर 3 6 से 36, ऊपर बचा मेरे पास 240, 10 ये भी गुणा में नीचे 16, फिर 8 से करेंगे 8 दुनी 16 और 8 3 24, ऊपर 30 नीचे 2, मतलब कि यहाँ बचा मेरे पास 2 1 2 2 15, तो ये दे देगा 15% का उस पर क्या दे देगा डिस्काउंट या छूट दे देगा। अतः यहाँ लिखना है नोट डाल के लास्ट में, अतः दुकानदार द्वारा दी गई छूट बराबर 15% है ना, इसको ध्यान रखना है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक सेलफोन पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी गई, तो दुकानदार द्वारा किए गए लाभ या हानि प्रतिशत का पता लगाएं। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको कोई भी ट्रिक से सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, इसका सबसे पहले ध्यान रखना है, नहीं तो वो नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ट्रिक सॉल्यूशन वहां नहीं चाहिए, जिस तरीके से हम 10th 12th क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे सेम एज इट इज हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं, हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, तो अब यहाँ क्या है, कुछ दिया कुछ नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं,
एक्स मान लेते हैं या सो मान लेते हैं, कुछ भी हम इस केस में मान सकते हैं। तो मैं यहां मान लेता हूं, माना कि सेलफोन का क्रय मूल्य 100 माने या 100 कुछ भी माने, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 100 मानने पे कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे, कंफर्म है ये चीज, ठीक है। जो हम मानेंगे उसी के आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपकी सेफ्टी के लिए अगर ऐसा लग रहा है, तो माना कि सेलफोन का क्रय मूल्य हम क्या मान लेंगे, एक्स है। कैलकुलेशन इससे थोड़ी टफ हो जाएगी, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है उसको, पहले क्या करेंगे 40% बढ़ाकर अंकित करना है। तो अंकित मूल्य कितना है उसका, क्रय मूल्य का कितना, 40% बढ़ाकर मतलब क्रय मूल्य का 140%, ठीक है। तो क्रय मूल्य का 140% कैसे करेंगे, क्रय मूल्य का 140%, तो क्रय मूल्य कितना x, तो इसका 140% 140/100, मतलब कि क्या आया यहाँ पे 14x/10, इसका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब उसने क्या बोला है कि उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी गई, ये अंकित मूल्य हमारे पास आ गया। अब अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी गई, ठीक है। तो छूट देने के बाद, या इसको हम डायरेक्टली निकाल देंगे क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, चूंकि यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, चूंकि छूट प्रतिशत बराबर कितना दिया है 30%, है ना। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, अब इस केस में हम अंकित मूल्य को 100 मानेंगे और यहाँ छूट 30% माइनस कर देंगे, तो 100-30%, तो ये आ जाएगा 70%। किसका 70% हो जाएगा, किसका, अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य क्या है मेरे पास, 14x/10, इसका मुझे छूट देने के बाद विक्रय मूल्य निकालना है, कितना हो जाएगा नया विक्रय मूल्य हमारा, जो विक्रय मूल्य होगा 14x/, तो इसका अंकित मूल्य का 70%, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रही, ऊपर बचा है मेरे पास 7 चौक 28 और 7 एकम 7 और 2 9 98 बाय 100x, क्या बचा है विक्रय मूल्य, बचा 98/100x बचा है मेरे पास। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। कंट्रोल ई, इसको नोट कर लेना है, वीडियो को आपको पॉज करके, ठीक है। चलो यहाँ कितना बचा 98/100x, विक्रय मूल्य आ गया मेरे पास और अंकित मूल्य भी आ गया, ठीक है। तो अब और क्रय मूल्य ऑलरेडी अपने पास x है, अब वो पूछ रहा है कि इस सौदे में उसे लाभ हुआ कि हानि, उसका पता लगाए, हानि प्रतिशत का पता लगाए। तो कैसे पता लगाएंगे, वो पहले तो डिसाइड करेंगे लाभ हुआ कि हानि। तो देखो यहाँ विक्रय मूल्य 98/100 है, मतलब छोटा है, और क्रय मूल्य बड़ा है, तो इस केस में इसको क्या हो गई, हानि, है ना, हानि होगी। क्यों, ये भी लिखना है, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हानि। अब वो हानि प्रतिशत निकालना, पहले निकालेंगे हानि, हानि हुई कितनी, तो हानि क्रय मूल्य में से मैं निकाल दूंगा, विक्रय मूल्य को माइनस कर दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100x-98x, तो 2x/100 आ जाएगा हानि। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, हानि प्रतिशत निकालने के लिए लिखेंगे ऊपर हानि, अपॉन में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य इनटू सो। तो हानि कितनी है मेरे पास 2x/100, और क्रय मूल्य कितना है अपने पास x इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और प्रतिशत की कैलकुलेशन x से x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर बचा कितना 2, तो 2% की क्या हो जाएगी यहाँ पर हानि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हानि प्रतिशत 2, अतः इस पूरे सौदे में व्यक्ति को कितनी हानि होगी 2% की। अब इसको चेक कर लें, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है,
या ऐसा कुछ डाउट आता है एग्जाम में तो इसको चेक कर लेंगे, है ना। कैसे चेक करेंगे, देखो इसको 100 रुपए मान लेंगे हम, किसको, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य माना कितने रुपए, मैंने 100 रुपए माना। उसने बोला कि 40% बढ़ाकर उसने अंकित किया, तो 40% बढ़ाएंगे तो 100 का 40 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 140, तो मैंने 140 इसका अंकित मूल्य बना दिया। अब इस अंकित मूल्य पे उसने 30% की छूट दी, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 14 42 42 रुपीज। तो इस क्रय जो अंकित मूल्य 140 रुपए में से इस छूट को हटा देंगे, अंकित मूल्य में से 30% छूट को हटा देंगे तो बचेगा कितना 98। तो 98 रुपीज, पहले 100 का था और अब 98, मतलब 2 रुपए की हानि हो गई। कितने पे, 100 रुपए पे, तो 2% की क्या हो गई इसको, इस पूरे सौदे में हानि। इसको अच्छे से नोट करना है। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लगभग इसके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके निपट गए हैं। और हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आपको क्या करना है, इस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में जाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, सातों क्वेश्चन को आप अच्छे से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके, देखने के लिए थैंक यू, पूरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि यदि आप जीएलसी टॉप 50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और किसी भी बैच में एनरोल हो जाएं। और यदि आप ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप भवरकुआ जाएं, वहाँ इंदौर भवरकुआ जाके आप ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।